तो भाई लोग यहाँ पर हाल फिलहाल में जजमेंट डे की स्टोरी लाइन सबसे ज्यादा अच्छी चल रही है और भाई सबसे ज्यादा पीक लेवल पर चल रही है। और भाई यहाँ पर रिया रिपली और डेमियन प्रिस्ट को बाहर निकाल लिया जब से जजमेंट डे से। भाई यहाँ पर पहला मैच होने वाला है, वो भी होने वाला है बैशन बर्लिन के अंदर। और भाई ये काफी ज्यादा यूनिक मैच होने वाला है क्योंकि ये मैच टैग टीम मैच होने वाले हैं। अभी तक तो भाई ये वाले मैचेस काफी ज्यादा हिट नहीं थे, पर भाई अब मान के चलिए पॉपुलरिटी मिलने वाली है क्योंकि भाई यहाँ पर पूरी न्यू जजमेंट डे का इन्वॉल्वमेंट होने वाला है इस मैच के अंदर। अब कन्फर्म मान के चलिए कि भाई यहाँ पर जजमेंट डे यही है, यहाँ पर रिजल्ट डिसाइड करेगी। और भाई प्रोबेबली यहाँ पर हमारा डेमियन प्रिस्ट और हमारे रिया रिपली नहीं जीतने वाले और यहाँ पर हमारे लूब मॉर्गन और गाइस हमारे जो डोमिनिक मिस्टीरियो भाई वो 101% जीतने वाले हैं क्योंकि भाई यहाँ पर पहली स्टोरी लाइन है और भाई उसके हिसाब से यहाँ पर न्यू जजमेंट डे को पुश मिलने वाला है। और भाई हो सकता है कि यहाँ पर लूब मॉर्गन वही गेम करे जो भाई उन्होंने रॉ के ऊपर करा था, यहाँ पर डेमियन प्रिस्ट के ऊपर अटैक जो मिक्स्ड टैग टीम में अलाउड तो नहीं है, बट गाइस यहाँ पर है ना हमारे जो फिन वेलर हैं भाई वो मास्टर माइंड है अभी हाल फिलहाल में और भाई वो डेमियन प्रिस्ट को यहाँ पर बर्बाद करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और भाई उन्होंने कुछ ना कुछ तो मास्टर प्लान बना के रखा है और भाई उस हिसाब से यहाँ पर है ना पूरा यहाँ पर गेम चलने वाला है। और भाई हो सकता है यहाँ पर कोई भी पार्टी जीत सकती है, पर गाइस ज़्यादा चांसेस तो यही है कि लीब और डोम जीतेंगे क्योंकि भाई उनकी स्टोरी लाइन चल रही है इस हिसाब से। और भाई यहाँ पर पहली बार यहाँ पर जजमेंट डे के आउटसाइड यहाँ पर मैच होने वाला हमारा रिया रिपली और डेमियन प्रिस्ट का। और गाइस यहाँ पहली बार जो दोनों एक साथ आए थे उसके बाद पहली बार जजमेंट डे के लिए नहीं लड़ने वाले, और इस बार पहली बार यहाँ पर है ना लीब मॉर्गन लड़ने वाली है जजमेंट डे की तरफ से। और गाइस उनके पार्टनर होने वाले हैं, उनके खुद के बॉयफ्रेंड कह सकते हैं यहाँ पर हमारे डोम डोम और गाइस पापी और हमारी मामी मतलब कि लीब मॉर्गन और गाइस हमारे डोमिनिक मिस्टीरियो की जो स्टोरी है भाई वो काफ़ी ज़्यादा बेस्ट चल रही है। और भाई इसके अलावा गुंथर की बात कर लेते हैं भाई, तो गुंथर को है ना यहाँ पर बैशन बर्लिन के अंदर है ना बिल्कुल होम टाउन वाला है तो यहाँ पर सीन मिलने वाला है क्योंकि भाई उनका मैच होने वाला है द बाइफर द लेजेंड किलर रैंडी ऑर्टन से। और भाई आपको पता है रैंडी ऑर्टन के पास है ना उतना पोटेंशियल है कि भाई वो उनको डिथ्रोन कर सकते हैं, पर गाइस यहाँ पर गुंथर है ना अभी चैंपियन बने हैं। पर अभी सुनने में ये आ रहा है कि भाई हमारे रैंडी ऑर्टन बन सकते हैं 15-time वर्ल्ड चैंपियन और गाइस पूरे वर्ल्ड को शॉक कर सकते हैं क्योंकि भाई अभी है ना हमारे गुंथर वाली चैंपियन बने हैं। और गाइस सब एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं कि भाई वो गुंथर का टाइटल रहने भाई वो काफ़ी ज़्यादा लंबा चौड़ा होगा क्योंकि भाई उनके पिछले टाइटल रेन से इसको कंपेयर किया जाएगा। बट गाइस यहाँ पर हो सकता है कि हमारे लेजेंड किलर है ना यहाँ पर एक शॉक दे दें क्योंकि भाई यहाँ पर रैंडी ऑर्टन 15-time वर्ल्ड चैंपियन बनकर है ना इस स्टोरी लाइन को और लंबा खींच सकते हैं और स्ट्रेच कर सकते हैं। और हो सकता है रैंडी ऑर्टन का जो है ना बिल्कुल जिस तरीके से हाइप कर रहे हैं भाई वो हाइप रियल निकले और आखिर में जाकर यहाँ पर वो चैंपियन बन जाएं। तो गाइस आज का आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल रसल अल्टीमेट को ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर।